इराक च फसे भारतीय वर्कर नवी दिल्ली सही सलामत पहुंचे। इराक च फसया एक भारतीय वर्करा दा ग्रुप सलामत नवी दिल्ली पहुंचया। उन्हां दी वापसी लई भारतीय कौंसलखाने ने मदद कीती है। भारतीय नागरिकां ने दावा कीता है कि अंबेसी ने उन्हां दी मदद कीती है, जदों कि उन्हां दी कंपनी ने उन्हां नूं वापस भेजन तों इनकार कर दिता सी। हम लोग देखे कि नजफ में करबला में हल्ला गुला हो रहा था, बगदाद की तरफ में बढ़ते जा रहा है आदमी। उसके बाद में करबला में हल्ला गुला हुआ, उसके बाद हम लोग 300-400 आदमी बोले कि हम लोग इंडिया जाएंगे। तो कंपनी वाला बोलता है किसी को मैं नहीं भेजेगा इधर से। हम लोग 300 आदमी स्ट्राइक मार के बैठ गया। उसके बाद एक दिन के बाद में एम्बेसी वाले पहुंचे, ये बोले कि हम लोग आप लोग को सब किसी को हम निकाल के लेकर चलेंगे, आप लोग घबराओ मत। एक दो दिन हम लोग रुके वहाँ, उसके बाद एम्बेसी वाला सब अपना कार करवाया, वीजा वीजा लगाया। उसके बाद हम लोग रात को 12 बजे रात को पासपोर्ट ला कर दिया। उसके बाद में हम लोग सुबह में आके इधर फ्लाइट कराया। वर्करा ने भारत पहुंच के सुख का सा लिया है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते उन्हां दे परिवारक मैंबर उन्हां दा इंतजार कर रहे सन। उन्होंने कहा कि उन्हां दे कुछ दोस्त अते साथी अजे भी इराक विच फसे हुए हन। इराक दे नाल-नाल राजधानी बगदाद विच हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। करीब 10,000 भारतीय वर्कर इराक विच उन्हां स्थानां च काम कर रहे हैं जो हिंसा तो प्रभावित नहीं हैं, पर करीब 100 भारतीय अतवादी हिंसाग्रस्त स्थानां च फसे हुए हैं। भारत सरकार ने इराक के कई शहरों च अधिकारी भेजे हुए हैं जो घूम फिर के भारतीय नागरिकां दी मदद कर रहे हैं।